Hey, good morning. On the way, Mr. Krishna. I can't make it tomorrow. Yeah, anything about friend is important, right? Okay, bye. अरे रुको 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 रुको, कहाँ जा रहे हैं भाई? ओ भाई, कहाँ गाड़ी लेके घुसे जा रहे हो? विजिटर अंदर नहीं जा सकते। आमदा वल्सा? हाँ, मांदसा, नौका राजू, तुम ही हो क्या? हाँ, मैं ही हूँ। सूट बूट कार, बहुत बदल गए हो भाई। कैसे हो यार? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसे हो? हाँ, मैं भी अच्छा हूँ। एक मिनट। क्यों? मेरी स्लैंग देखकर चौंक गए ना? मैं ऐसा ही हूँ, नोक राजू फ्रॉम श्रीकाकुलम कैंपस। हर स्टूडेंट अपनी जिंदगी की फ्रीडम वहां पर एंजॉय करता है। माँ बाप पढ़ाई के लिए फीस भरते हैं और हम कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ दोस्त भी बनाते हैं, फ्यूचर भी बनाते हैं और कुछ लोगों को जिंदगी भर के लिए प्यार भी मिलता है। कल का प्रोग्राम यहाँ आज पता नहीं चलता। हर प्रोग्राम नया प्रोग्राम होता है, हर एक दिन नया दिन होता है, हर एक चीज की अपनी याद होती है। श्रीकाकुलम से जब मैं डायरेक्टली इस कैंपस में आया तो मुझे ये सब कुछ नहीं पता था। इस कैंपस के हर एक बंदे की अपनी एक अलग कहानी है, हर एक बैच की अपनी अलग दास्तां है। मेरे बैच की भी एक कहानी है, सबसे हसीन कहानी। हमारी कहानी अगर पता करनी है तो 2 साल पहले जाना होगा। तो आइए चलते हैं 2 साल पीछे। दो साल पहले पीजी करने के लिए मैं हैदराबाद आया। चलता हूं। ये ऊपर क्यों दिखा रही है? ऊपर तो कुछ भी नहीं है। अरे सुन बेटा, पैसे बहुत संभाल के खर्च करना। और हाँ, ये शहर है बेटा, हमारे गांव की तरह नहीं है। बेटा तुम किसी अनजान पर भरोसा मत करना, संभाल कर रहना बेटा, और अच्छे से पढ़ाई करना। मुझे पता है पापा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। आपकी गाड़ी का टाइम हो रहा, आप जाइए, अपना ख्याल रखना। मेरे पापा की इच्छा थी कि मैं खूब पढ़ाई करूं और मेरी इच्छा थी मैं लड़कियों की पढ़ाई करूं। ये सिद्धार्थ है मेरा दोस्त। क्या सोच रहे हैं कि ये गुड बॉय की तरह पढ़ाई कर रहा है? यही ना, ऐसा कुछ नहीं है, ये स्केच बना रहा है। पापा, आपने मेरा फेस वॉश लिया था क्या? हाँ लिया था, लगा के महेश बाबू बनने के लिए। जाकर अपने रूम में देखो, वहीं होगा। अच्छे से भी तो बोल सकते हैं। जाके जल्दी रेडी हो जाओ, प्रिंसिपल आ गए तो हंगामा हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा। अब तैयार नहीं हुई? हो रही हुई, बस मेरा रूम कहाँ है? हाफ एन आवर। कितना लकी है तू सिद्धू। सिड, अब तक कॉलेज के लिए निकले नहीं तुम? वो कॉलेज का असाइनमेंट है ना माँ, आज सबमिट करना है, लिख रहा हूँ। हर काम का एक टाइम होना चाहिए ना, व्हाई डू यू ऑलवेज डू इट ऑन द लास्ट मिनट? आई वांट यू टू बी पंचुअल। हर रोज बोलना पड़ेगा क्या? साड़ी तैयार है ना? या, तैयार है। दिस इज बिकमिंग अ हैबिट टू यू, आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट दिस। स्कूल के बच्चे हो क्या? थोड़े से रिस्पॉन्सिबल बन जाओ ना। माँ को रेडी होने में 10 मिनट लगेगा। सिद्धार्थ रॉय, यू हैव 10 मिनट्स टू एस्केप। इसे कैसे मिस कर दिया मैंने? परफ्यूम क्यों इतना फास्ट खत्म हो रहा है, अब समझा। हाँ
सैतालू, सैतालू, सैतालू। आपको सैतालू चाहिए या गिटार चाहिए? तू अब तक नहाने नहीं गई क्या? मैंने सोचा आपके जाने के बाद जाऊंगी। परसों ही तो दिया था ना। खर्चा बढ़ गया है। थोड़ा भी दया नहीं करती, बस एक्सप्लॉइट करती है। तुझे शांति नहीं मिलती क्या? सही कहा भैया, मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। MCA के नाम पे म्यूजिक में MA कर रहे हो, आपने कंप्यूटर कोर्स के पैसों से गिटार खरीद लिया है ना? अभी मम्मी को बताती हूँ। ए रुक 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 रुक, ये ले, भूतनी है तू। मम्मी। क्या समझते हो लड़कियों को तुम? ये है भावना, हमारे बैच की फायर गर्ल। अक्कल नहीं है तुम्हें, इडियट। कुछ भी करोगी क्या? और मैं देखती रहूंगी। क्या हुआ? अरे हिप्नोटाइजिंग कर रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हें किया? नहीं, उसे। क्या यार, कोई एक बूढ़ी के साथ ऐसा कर सकता है क्या? बूढ़ी किसे कह रहे हो? वैसे भी मुझे देर हो रही है, मुझे जाना होगा। पर तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे ड्रॉप करने वाले हो। इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बुजुर्ग आंटी को ड्रॉप करना है तो टाइम नहीं है, पर लड़कियों को ड्रॉप करने के लिए हमेशा टाइम होता है। इज्जत से ड्रॉप करो इन्हें। देख ब्रदर, यहाँ की सिचुएशन बहुत डेलिकेट है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ले जा। आप बैठ जाइए, कैसे ड्रॉप नहीं करता है मैं भी देखती हूँ। ओके। ले जाओ। हाँ ले जा रहा हूँ। और ये है जय, बेस्ट फ्रेंड की मीनिंग है ये। हैप्पीनेस को वायरस की तरह ये स्प्रेड करता है। क्रॉस रोड जंक्शन में किस तरफ जाना होगा ये हमें बताता है। साइन बोर्ड की तरह है ये। हमारे बैच में सबसे पहले प्यार में पड़ने वाला है ये। गरजते बादल, बिजली और उसकी रोशनी में एक एंजल की जैसी लड़की। लव एट फर्स्ट साइट। व्हाट ए फीलिंग यार, व्हाट ए फीलिंग। वाव, सुपर सीन है। कौन सी फिल्म का है अंकल? अरे फिल्म नहीं, रात की बस में, जय की लाइफ में। व्हाट लक्की फेलो, ये क्या अंकल, आपको कभी लव एट फर्स्ट साइट नहीं हुआ? मुझे मैरिज एट फर्स्ट साइट हुआ है।
कह के ले गए कि लड़की देखकर आ जाऊंगा और देखने के बाद शादी के मंडप में बिठा के शादी करवा दिया। बस लाइफ में कोई फनी नहीं बचा। अब बस भी कीजिए। क्या हो रहा है, मीटिंग कर रहे हो क्या? तेरे बस के मैटर के बारे में ही अंकल बता रहे हैं। बहुत थ्रिलिंग है। हाँ। क्यों पापा, आपने बता भी दिया? सोचा था कि मैं बताऊंगा। कोई भी बताए, बट मैटर इज वेरी इंटरेस्टिंग। स्मॉल डाउट है, नाम एड्रेस के बिना उस लड़की को ढूंढना पॉसिबल है क्या? Hey, said, nothing is impossible. मेरा ढूंढने का मन है तो वो मिल जाएगी, भरोसा है। Yeah, but वो... Hey, जो भी करो उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना चाहिए। संभल कर भाई, आजकल लड़कियां लिफ्ट ऑफर करने पर भी ईव टीजिंग का केस डाल देती हैं। क्या कहा? प्रिया, वेलकम टू इंडिया। आई एम भावना, 302, योर रूममेट। ओ हाय, कम। एक्चुअली स्टडीज के लिए सब यहाँ से यूएस जाते हैं, लेकिन वहाँ से यहाँ स्टडी के लिए कौन आ रहा है ये देखने के लिए यहाँ सब वेट कर रहे हैं। ये जगह मेरे बहुत क्लोज है, मामा डैड ने यहीं से पढ़ाई की है। डैड ने माम को प्रपोज भी यहीं पर किया था। अच्छा, आई फील आई बिलोंग टू दिस प्लेस। प्रिया को अपनी जीवन साथी के रूप में स्वीकारते हो? स्वीकारता हूँ। क्या हुआ, क्या स्वीकार विकार? सिड, प्रिया, प्रिया, सिड। हेलो। हाय। हे, तुम भी यहीं हो क्या? प्रिया, ये जय है। हाय। ये सब देखना मुझे बहुत बोर लगता है ना? हाँ। क्यों भाई, वो लड़की मिली नहीं क्या? हमें कौन सा साल भर ढूंढना है यार, मिल जाएगी रे। जय। हाँ। लेफ्ट में मत मुड़ना। क्यों? वो ब्लू टी शर्ट में जो लड़की है ना, मुड़ना मत, मुड़ना मत। अरे मुड़ना मत, कहा ना। क्यों भावना? उसे ना तुम बहुत पसंद हो, जब देखो तुम्हें ही घूरती रहती है। उसका नाम क्या है? तनीषा। ओ। हे, वो तो यही देख रहा है। हे तनीषा, वन मिनट। मी वन सेकंड। हाँ, जस्ट कम। हाय। हेलो। क्यों, मैंने सुना कि तुम मुझे फॉलो कर रही हो। वो कोई बात नहीं, बताओ ना। आई लव यू। एक्चुअली आई एम ऑलरेडी इन लव, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। कौन है वो लड़की? ए, मत डाल, बोलो ना। बचाओ, मुझे बचाओ। वो लड़की मिलनी भी तो चाहिए ना। उसके डिटेल्स नहीं पता, बहुत मुश्किल है ना। यही डिफरेंस है हम दोनों के बीच में। मार्च के एग्जाम में फेल हो गया तो सितंबर में फिर लिखेंगे, पढ़ाई छोड़ तो नहीं देते है ना। नहीं मिलेगी ऐसा सेकंड थॉट तो नहीं है, वो मिलेगी और जरूर मिलेगी। माँ, वो सिर्फ 15 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ ना।
लेट आने के बाद मैनेज करने की कोशिश कर रहे हो क्या? टाइम सेंस डिसिप्लिन अगर नहीं होगा तो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। अनु, ये घर है, कॉलेज नहीं। स्टूडेंट्स के साथ जो बिहेव करती हो इनके साथ मत करो। गो इजी ऑन हिम। अगर घर में दो लोगों को भी ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाऊं तो कॉलेज में इतने सारे बच्चों को कैसे संभालूंगी? प्लीज स्टॉप एनकरेजिंग हिम। बात कर रही हूं ना मैं, अगर यही हरकतें करोगे तो तुम्हें देखकर वीना भी बिगड़ जाएगी। सेट अ गुड एग्जांपल फॉर योर सिस्टर। भैया सुनो, 15 मिनट लेट होने पर माँ का ऐसा रिएक्शन है तो अगर उन्हें म्यूजिक के बारे में पता चल गया शायद आप गलत कर रहे हैं। मैं संभाल लूंगा। अरे रुको रुको रुको, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? अंदर नहीं जा सकते, ये लड़कियों का हॉस्टल है। शेखा कुलम, कौन सा गांव है तुम्हारा? आमदा वलसा। और मेरा मंदसा, हम दोनों पड़ोसी हैं यार। रुको रुको रुको, बगल का गांव होगा तो अंदर चले जाओगे क्या? भाई मेरी फ्रेंड अंदर है यार, एक मिनट उससे बात करके आता हूँ। अरे तुमसे बोल रहा हूँ, सुनाई नहीं देता क्या? चलो, तू तो बहुत बड़ा आदमी है ना। चलो चलो चलो। रुको 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 रुको। अरे सुनो सुनो भावना। अरे भावना कहाँ हो? भावना कहाँ चुप कर बैठी हो तुम? जरा सुनो तो। ए भावना का रूम नंबर क्या है? अरे मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? मैं चोर वोट नहीं हूँ। अरे क्या, अरे तुम्हें गलत फहमी होगी, मैं चोर नहीं हूँ। भावना भावना, दुपट्टे में खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। इसने क्या देखा पता है क्या? क्या देखा तुमने? मैं तुमसे मिलने के लिए आया था, मैं किसी को क्यों देखूंगा? बताओ। कुछ देखा तो नहीं? क्या देखा इसने? कुछ नहीं देखा मेरी माँ, पहले इसे यहाँ से ले जा। जा ले जा। जा। अकल नहीं है तुम्हें, क्यों आए थे वहाँ? वो तुम बिंदी लगाती हो तो बहुत अच्छी लगती हो, फिर से लगाओ ना। ये बताने के लिए आए थे क्या? तुम्हारे लिए नोट्स लेकर आया था मैं। मेरे लिए नोट्स लिख दो ना प्लीज। तुम और ये नोट्स मैं क्यों लिखूंगी? ऐसा मत बोल यार, मैं जो लिखता हूँ मुझे खुद को समझ में नहीं आता है। तू नहीं लिखेगी तो मेरी हेल्प आखिर कौन करेगा बताओ? वैसे भी मुझे इंग्लिश नहीं आती है यार, बहुत इंसल्ट फील होता है। प्लीज तू लिख देना। मुझसे पूछने में शर्म नहीं आती? तुमसे पूछने में शर्म क्यों आएगी? तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ ये ले, लिख दे। असल में तुम कैंपस में आए ही क्यों? लाइफ में तुम्हारा गोल क्या है? ग्वाला। ग्वाला मतलब? ग्वाला नहीं रे, गोल। गोल गोल मतलब? अब सिड का म्यूजिक, जय का फोटोग्राफी, मेरा सिविल है, ऐसे तुम्हारा क्या है? पता नहीं मेरा क्या है, अगर नहीं पता होगा तो तू नहीं लिखेगी क्या? अरे लिख दूंगी ना। तो प्लीज यार तू लिख देना, मैं जा रहा हूँ। अरे आराम से लिखना, मगर पूरा लिखना। हाँ रुक, ठीक है बाद में मिलता हूँ। माँ बोलो। माँ शादी या फिर स्टडीज, यही कंफ्यूजन है ना भावना? माँ कह रही है कि ये बहुत अच्छा मैच है, वेल सेटल्ड। नो कहने का कोई रीजन ही नहीं है, पर अभी शादी करके पढ़ाई छोड़ देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। हे भावना, क्यों इतना कंफ्यूज हो रही हो? अपने सारे प्रॉब्लम्स अपने दिल को बताओ, वही सॉल्यूशन बताएगा। उससे अच्छा बेस्ट फ्रेंड तो दुनिया में कोई नहीं होता। हेलो माँ, रिश्ते के लिए मना कर दो प्लीज। क्यों,
एक बार सोच तो ले। सब माइंड से नहीं माँ, कुछ चीजें हार्ट से भी होती हैं। ये क्या आज कुछ अलग बात कर रही है? बोध ही पेड़ के नीचे बैठ कर आई है क्या? माँ, क्लैरिटी लाने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठने की जरूरत नहीं है, अच्छे दोस्त हम वही काफी है। हाँ ठीक है माँ, मैं बाद में बात करती हूँ, बाय। थैंक यू, लेट्स गो। प्रिया, तुम यूएस में कभी चर्च में गई हो क्या? हाँ गई हूँ, क्यों? कुछ नहीं, मुझे इस बीच बहुत अजीब अजीब से सपने आते हैं। सपने? कैसे सपने? एक बहुत बड़े चर्च में मैं सूट और टाई पहने खड़ा हूँ, सामने चर्च के फादर हैं, आसपास हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव और खूब सारे लोग हैं। उसी टाइम वहाँ सामने से एक लड़की व्हाइट गाउन पहने हुए बुके पकड़ के मेरे सामने एक एंजल की तरह आगे बढ़ रही थी। सर, 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 ये पकड़ो सर, सर पकड़ो इसे। ए, ए, ये क्या है? ए, तुझे ही कह रहा हूँ, मुझे क्यों दिया? ये आपके लिए ही है, गुड लक, बाय। गिफ्ट होगा? गिफ्ट? किसी ने शायद सरप्राइज प्लान किया होगा तुम्हारे लिए। क्यों, मैं नहीं दे सकती क्या? Come on, open करो ना। प्रिया, ये बहुत अच्छा है प्रिया, सुपर है, एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत अच्छा है। hey, ओवर एक्टिंग मत करो। सच में फैन को गिफ्ट नहीं दे सकते क्या? अरे यार, अचानक से पानी गिर गया। अरे यार, कितनी बारिश आ रही है, मैं तो पूरा भीग गया।
कहीं सपना तो नहीं? ये तो हकीकत है यार। ये क्या है, कहीं मैं सच में सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? थैंक यू वेरी मच। जिसका लव सेट नहीं होता, वो जिसका लव सेट हो गया उसे देखकर ऐसे ही जलता है तेरे जैसे, समझे क्या? जलने की बदबू आ रही है बे। क्या कहा, तेरा लव सेट हो गया? यस, सोशल मीडिया में 5 मिनट में सब कुछ सेट कर दिया मैंने। अच्छा, क्या बात की तूने? हाय कहा मैंने। और उसने? सेम टू सेम हाय उसने भी कहा। तो तूने क्या कहा? तो मैंने फिर से हाय कहा उसे। ऐसा क्या? तू समझती क्या है मुझे? इससे बोल कि मुझसे लड़की पटाना सीख ले। ये भी मुझे बता रहा है। छी। हे सिड, हमारी प्रिया ही तो है, खुशी खुशी जाके बोल सकता है ना? वो मुझे फ्रेंड समझती है यार। तो हमारी फ्रेंड ही तो है, बोल दे। बोलने पे अगर उसने ना कह दिया, जो फ्रेंडशिप है वो भी चली जाएगी। वैसे उस एफएम प्रोग्राम का नाम क्या है? उसमें कोई भी किसी को भी गाना गा के प्रपोज कर सकता है। वो एक्सप्रेशन ऑफ लव। हाँ, एक्सप्रेशन ऑफ लव। सेड, प्रिया सामने होगी तो ही तुझे प्रॉब्लम है ना? सुपर आइडिया है, अच्छा सा हिंदी सॉन्ग सिलेक्ट कर और गाना ऐसा गा के धूम मच जाए। प्रिया हाँ बोलेगी, इसकी गारंटी है क्या? हे, प्रॉब्लम क्या है तेरी? कुछ भी नहीं, प्रिया सुनेगी इसकी क्या गारंटी है बोल। कोई नहीं, सुनाएगा तो सुनेगी ना। प्रिया, शाम को 6 बजे रेडियो मिर्ची पे प्रोग्राम आएगा, जरूर सुनना, ठीक है? कौन सा प्रोग्राम? अच्छा प्रोग्राम है, बहुत अच्छा प्रोग्राम, सुनोगी ना? प्रिया, शाम को 6 बजे एफएम पर रेडियो मिर्ची सुनना है, भूल मत जाना। मुझे क्या देख रही है, पढ़ाई कर चुपचाप। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। वो सुनेगी ना? अरे सुनेगी, कितनी बार पूछेगा। नजर नहीं चुराना सनम, वो पक्का सुनेगी ना? अरे सुनेगी ही नहीं, देखेगी भी। कैसे देखेगी? हे, यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोग्राम सुन सुन कहकर मेरा दिमाग खा गया। ये कौन सा प्रोग्राम है? जय जय कम कम ना जय। अरे सुन लो, तुझे अक्ल नहीं है क्या? मुझे एक डाउट है यार। क्या? लगता है स्पेलिंग किसी ने गलत लिख दी है। छी, गधा। इस गधे पर भरोसा किया था, डायरेक्टली लेकर आ गया, अब क्या होगा जय? एक्सक्यूज मी, नेक्स्ट आप ही है, गेट रेडी। सिड, सबसे पहले तो तू रिलैक्स हो जा और डीप ब्रेथ ले, अपनी आंखें बंद कर, टेंशन चला जाएगा। टेंशन चला गया क्या? थैंक्स यार, सॉल्यूशन मिल गया। क्या है सॉल्यूशन? तो है सॉल्यूशन। अरे सेड, क्या कर रहा है यार तू? ये कोई सॉल्यूशन है क्या? प्लीज यार, ओपन द डोर मैन। ए सेड, वाह क्या गाया उसने, वो गाना अभी भी मेरे कानों में बज रहा है, क्या बात है। उसकी जगह मैं होती तो कितना अच्छा होता ना। व्हाट अ लकी गर्ल।
वाव 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 जय, कितना अच्छा गाना गाया तुमने। मेरे लिए अगर किसी ने गाना गाया होता ना, तो उसे ढूंढ कर तुरंत प्रपोज कर देती मैं। क्रेजीएस्ट लव, ओह माय गॉड। जय, कितना अच्छा गाना गाया यार। ये क्या है? जेलस फील कर रही हूँ। एक बार जिस लड़की को देखा उसके लिए तुम इतना अच्छा गाना गा सकते हो, और यहाँ रोज मुझे देखते हो, मेरे लिए एक नर्सरी राइम तो गा ही सकते हो ना यार। तनिषा, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, पर उसका मिलना मुश्किल है। तुम्हें एक बात पता है क्या? कल मैं एफएम में गाऊंगा ये मुझे भी पता नहीं था, लेकिन गा लिया। तुम्हें सुनने को नहीं कहा था, पर तुमने सुन लिया। तुम्हारी तरह बहुत लोग होंगे, उस लड़की ने भी अगर सुना होगा तो। उसने तुम्हारे लिए गाया? सो वो लकी गर्ल तुम हो? ओए, बस हो गया। किसी ने एक बार मुझे बस में देखा और गाना गा दिया। क्रेजी फेलो। वो तुमसे कितना प्यार करता है, कांट यू अंडरस्टैंड? आई अंडरस्टैंड, बट नॉट इंटरेस्टेड। एटीट्यूड, हां? एम्बिशन। मेरी कुछ प्रायोरिटीज हैं। ऑस्ट्रेलिया जाकर मुझे रिसर्च करनी है, दैट्स इट। उसका और इसका क्या संबंध है? है, ये प्यार व्यार किया तो प्रायोरिटीज बदल जाती हैं। किसी और को क्यों, मेरी बहन को ही ले लो। कॉलेज में पढ़ते वक्त ये करूंगी वो करूंगी ऐसा कहती थी, फिर प्यार हो गया, शादी कर ली। अब जीजू के लिए टिफिन रेडी करती है, जब ऑफिस जाते हैं तब बर्तन साफ करती है। अगर रिलेशनशिप में पड़ेंगे तो यही सब होता है। ओके, मान लो उसने गाना सुना भी होगा, पर वो लड़की तुमसे कांटेक्ट करेगी इसकी क्या गारंटी है? और अगर कांटेक्ट की भी तो तुमसे प्यार भी करेगी इसकी क्या गारंटी है? तनिषा, तुम्हारी बातों में डाउट है, मेरे लव में क्लैरिटी है। देखना, वो जरूर मेरे टच में आएगी। चांस ही नहीं है, पर मुझे उससे मिलना होगा झुमके के लिए। वो मेरी माँ का दिया हुआ लास्ट गिफ्ट है। पर कैसे मिलेगी? एफएम है ना? सिड को प्रिया से मिलाने के लिए मैंने जो पागलपन किया था, जय को वो झुमकी वाली लड़की से मिलाने में भी काम आया। उस दिन पापा मुझसे मिलने के लिए पहली बार कैंपस में आए थे। बेटा जी, यहाँ पर नोख राजू नाम का मेरा बेटा है, एमए की पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। वो कहाँ होगा आपको पता है क्या? वो लड़की है ना, वो दोनों आपस में मिलते ही रहते हैं, उसे पूछ लीजिए वो बता देगी। अच्छा, धन्यवाद जी। बेटी, नोख राजू कहाँ होगा तुम्हें पता है क्या? मैं उसका पिता हूँ। ओह, नमस्ते अंकल। मैं सुबह से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन वो फोन नहीं उठा रहा है। ओह, मैं एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ, करो बेटी। फोन नहीं उठा रहा है। मैं एक बार दूसरे फ्रेंड को ट्राई करके देखती हूँ अंकल। हाँ ठीक है बेटी। हाय भावना। हाँ, वो राजू के पिताजी आए हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है। तुम्हारे साथ है क्या? नहीं तो, लाइब्रेरी में होगा शायद, देखता हूँ। यहाँ पे भी नहीं है, देखता हूँ, शायद ग्राउंड में होगा। लाइब्रेरी में भी नहीं है, ठीक है, जहाँ भी होगा कैंटीन में उसे लेके आता हूँ। तुम अंकल को वहाँ पे लेके आओ। हाँ, ओके ओके। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, फिर दोबारा इस तरफ आऊंगा तो मिल पाऊंगा। आप रुक सकते हैं अंकल, वो आ जाएगा। देर हो जाएगी तो राजू की माँ फिक्र करेगी बेटा। ठीक है भावना, तुम अंकल को बस स्टैंड लेके जाओ। ठीक है। वो जहाँ भी होगा हम उसे ढूंढ लाएंगे अंकल। ठीक है बेटा, बाय। उसने फीस के लिए पैसे मांगे थे बेटी, ये पैसे उसे दे देना। आप उसे भी देकर जा सकते हैं ना अंकल? अगर देर हो गई तो कल काम पर नहीं जा पाऊंगा बेटी, मुझे जल्दी सोना होगा। मुझे नौकरी नहीं मिली बेटी, इसलिए मैं मजदूरी का काम करता हूँ। वो हमारी तरह नहीं बनना चाहिए, बहुत पढ़ लिख के वो बड़ा आदमी बने, इसके लिए हमें कितनी भी तकलीफ हो वो सब कुछ हम बर्दाश्त करके उसे पढ़ाएंगे बेटी। मेरा बेटा बहुत नादान है, वो अगर अकेला होगा तो उसका क्या होगा यही सोच के डर लगता था, लेकिन अब तुम लोगों को देखकर वो डर चला गया। उसका ख्याल रखना बेटी। परा परा मैं हूँ रंगीला राजू, मैं हूँ रंगीला राजू, मैं हूँ रंगीला राजू। मैं हूँ रंगीला राजू, मैं हूँ रंगीला राजू, मैं हूँ रंगीला राजू। अरे तू यहाँ पर खड़ी आखिर कर क्या रही है? कहाँ था अब तक और फोन क्यों नहीं उठा रहा था? साइबर कैफे में बैठ के अपने होने वाली गर्लफ्रेंड से मैं चैटिंग कर रहा था। तुझे अक्ल नहीं है क्या? तू यहाँ किस काम के लिए आया है और कर क्या रहा है? अरे हुआ क्या, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है मेरे ऊपर? तेरे पिताजी आए थे यहाँ पर। पैसा दिया उन्होंने? हाँ। दे मुझे पूरे, है ना? पहले अपने पिताजी को फोन करके बोल के पैसे मिल गए हैं। बाद में कर लूंगा। पहले कर। अरे दादागिरी क्यों कर रही है मेरे साथ, मेरे फोन में बैलेंस नहीं है, बोला ना बाद में फोन कर लूंगा। ये ले कर। कितनी जिद्दी है तू।
हेलो हेलो पापा, उस लड़की ने मुझे पैसे दे दिए हैं। हाँ हाँ बेटा, तू कैसा है? हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ। और माँ कैसी है? वो अच्छी है, लेकिन तेरी बहुत चिंता करती है। माँ को कहो कि मेरी चिंता विंता ना किया करे, मैं यहाँ पर अच्छे से रहता हूँ। पता है, माँ को कहना उसकी तरह ख्याल रखने के लिए यहाँ पर मेरी एक दोस्त भी है। ए, इस बार किसी भी तरह एफएम प्रोग्राम में गाऊंगा। इस बार भी प्रिया प्रोग्राम देखे इसका इंतजाम कर दूंगा। प्रॉमिस यार, मैं कर दूंगा ना। ए, तू क्या इंतजाम करेगा? ए, सिट, रुक। अरे लास्ट टाइम मैं देखूंगा, मैं देखूंगा, तू क्या गड़बड़ कर दिया, वो काफी नहीं था। सही, इसे नीचे रख, रुक। अब तो एफएम में नहीं गाएगा, डायरेक्ट प्रपोज करेगा। नोक, कम हियर। अच्छा सिट। हाँ बोल। यही प्रिया है। ये क्या मैं? थोड़ी देर के लिए सामान ले, चल प्रैक्टिस कर। अरे यार, तुम्हारा नाम सिद्धार्थ है, तुम प्रिया नाम की इस लड़की को अपनी जीवन साथी स्वीकार करते हो? वो फादर से तो यही बेटर है। ओके ओके, मैं तैयार हूँ, तू चालू हो जा। प्रिया। सिद्धार्थ। कॉलेज में तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया। गिर गया? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? अरे देख यार इसे। नोक, सीरियस। ओके, चल तू प्रपोज कर। प्रिया, कॉलेज में तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया। I love you, प्रिया। हे भगवान, हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी भगवान? फ्रेंड फ्रेंड बोल के आगे पीछे घूमता था, बोलता मुझसे प्यार करता है। चुप चुप अपना मुंह बंद रखो और यहाँ पे खड़े रहे, खड़ा रहे। थोड़ी देर उसे भूल जा और प्रिया की कल्पना कर। I know you can do it. Come on. लव एट फर्स्ट साइट पे तुम विश्वास करती हो कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर मुझे वो विश्वास तुम्हें देखने के बाद ही हुआ है। वजह पूछोगी तो उसके लिए मेरे पास रीजन नहीं है। मेरा प्यार आकाश जितना ऊंचा है, समंदर की तरह गहरा है। अगर ऐसा कहूंगा तो वो झूठ होगा, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं प्रिया। आई लव यू प्रिया, आई लव यू सो मच। इसने सच में बोल दिया। जय, तुमने मुझे यहां आकर इसके सामने खड़े होने को कहा, तब मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर अब मुझे समझ आ गया है। किसी को इतना ऑनेस्टली प्रपोज करते हुए पहली बार देखा है। तुम्हें मैं पसंद हूं ये मुझे पता था, पर इतना प्यार करते हो ये नहीं पता था। ना कैसे कह सकती भावना? रुकना यार, मैं बुला रहा हूं फिर भी चली जा रही है। रुक। क्या यार? क्या है? मैंने एक चीज ना तय कर ली है। अपने जय ने गाना गा करके कॉलेज की लड़की को पटा लिया, और सिड ने बातों से प्रिया को पटा लिया। मुझे तो ना उस तरह गाना गाने आता है और ना ही बातें बनाना, इसीलिए मैं सिंपली शालिनी को एक अच्छी सी कविता लिखकर प्रपोज करूंगा। क्या बोलती है तू? कविता? या। और तू? या। तुझे कविता लिखनी आती भी है क्या? नहीं आती ना। तो कौन लिखेगा? मैं मर जाऊंगी पर नहीं लिखूंगी। क्यों नहीं लिखेगी भावना? सुन भावना, रुक 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 भावना, भावना सुनना प्लीज यार, लिख देना यार। ए, मैं नहीं लिखूंगी। तू नहीं लिखेगी तो कौन लिखेगा? प्लीज लिख देना यार। मैं क्यों लिखूं? चार पांच लाइनें लिख दे यार। वैसे भी मुझे कविता लिखना नहीं आता। भावना, ए सुन तो, भावना तू नहीं लिखेगी तो और कौन लिखेगा यार, बताना। तूने मेरे लिए बड़े बड़े नोट्स लिखे, एक छोटी सी कविता नहीं लिख सकती है क्या? भावना लिख दे यार, मैं तेरे पांव पड़ता हूं। भावना प्लीज लिख दे यार। ठीक है ठीक है, हल्ला मत कर, लिखती हूं।
फिलोसफी फिरोशियस, ऐसे बड़े बड़े शब्द यूज करना क्यों नहीं आता क्या तुझे? ठीक है जितना आता है वैसा ही लिख दे, मगर लिख दे यार। लिख दिया इसने। ये ले। लिख दी तूने? कहां से आई हो पता नहीं, लेकिन तुम सीधे मेरी जिंदगी में दाखिल हो गई हो भावना। मैंने तुम्हारी नादानी देखी है, लेकिन तुम मन से तो बहुत ही खूबसूरत हो भावना। तुम्हारी दोस्ती जिंदगी भर रहनी चाहिए भावना। ये क्या किया तूने? तुझे बताया था ना कि उसका नाम शालिनी है, तूने हर लाइन के नीचे भावना नाम लिख दिया है। ये भावना मतलब मेरा नाम नहीं है, वो फीलिंग है। मुझे नहीं पता, तूने शालिनी को लिखा है ऐसा नहीं लग रहा है, तूने मुझे लिखा है ऐसा लग रहा है। यहाँ दे। क्या हो गया तुझे? मैं बाद में लिख दूंगी। अरे भावना सुन तो, क्या हो गया इसे? हेलो, इज दिस जय? या हु इज दिस? आई एम रूपा। कौन रूपा? मैं बस झुमका FM पर आपने सॉन्ग गाया था, वो रेडियो स्टेशन पर। वो झुमका मेरा ही था। बैठिए। झुमका दीजिए। हाँ देता हूँ, आप बैठिए तो प्लीज। झुमका प्लीज। ऑर्डर सर। आप क्या लेंगी? झुमका। अरे वो तो दे दूंगा, कैपेचिनो, मोका, एक्सप्रेसो, फ्रैपे, कुछ भी बोल दो। दो कुछ भी। आपको याद है उस दिन बस में टक्कर के बिजली कड़की थी, मैंने मुड़कर देखा बगल में ही व्हाइट ड्रेस पहने हुए एक प्रिंसेस की तरह बैठी हुई थी। झुमका देंगे क्या? हाँ देता हूँ। उस दिन एसआई नगर बस स्टैंड के पास फुल बारिश थी, याद है आपको? मैं आपके बगल में खड़ा था, मैंने जब तक आपको देखा आप वहाँ से चली जा रही थी। झुमका दीजिए ना। वो उस दिन FM में मैं नहीं गाने वाला था, मेरा दोस्त गाने वाला था, वो तो अनएक्सपेक्टेडली मैंने गा लिया था, वो तो बस झुमके के लिए। और FM पर मुझे लवर्स केबिन वहाँ पे है। लवर्स कौन है? लवर्स पागल है क्या? मारूंगी। अरे जय झुमका दे देगा तो वो निकल जाएगी, झुमका जब तक है तेरे पास तब तक ही। ओए मेरा झुमका दो। बिल है क्या? बिल? वही झुमका खरीदने पर देते हैं ना। बिल क्या कोई पर्स में लेकर घूमता है? तो फिर झुमका तुम्हारा है, इसकी गारंटी क्या है? ऐसे बातें क्यों कर रहे हो? किसी और का झुमका मैं क्यों लूंगी? ये मेरा झुमका है। हाँ हो सकता है, लेकिन कोई प्रूफ तो होना चाहिए। प्रूफ? उसकी जोड़ी मेरे पास है, चाहिए तो दिखा देती हूँ। हाँ दिखाओ। यहाँ पर नहीं है, दूसरी जगह पर है। हाँ ओके ओके कम ऑन लेट्स गो लेट्स गो। ओए कहाँ पर? प्रूफ कल मॉर्निंग 10 बजे इसी जगह पर, मैं प्रूफ लेकर आ जाऊंगी।
ओके। ओए, तुम यहाँ क्यों आ गए मेरे पीछे पीछे? तुम कहाँ रहती हो वो जानने के लिए। तो फिर फॉलो करोगे क्या? कहाँ ना, कल 10 बजे मिलूंगी। मैं फ्री था इसलिए आ गया बस। ठीक है, अब आ ही गए हो तो झुमका लेकर आते। नहीं नहीं, जो तय है वो तय है, कल 10 को कॉफी डे। ओए, ओवर एक्टिंग मत करो, झुमका लेकर आते। ए, ये वही है क्या? कहा था झुमका लेकर आऊंगी, उसे ही लेकर आ गई। हाँ, उसे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। हट। वाह 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 वाह, क्या गाना गाया था आपने, हम सब तो फिदा हो गए थे आप पे। माय प्लेजर। आप सिर्फ रेडियो पर ही गाते हैं या फिर प्राइवेट फंक्शन में भी गा सकते हैं? वो नेक्स्ट मंथ 26 को मेरा मैरिज है, 21st Street श्रीनगर कॉलोनी में, आप आएंगे क्या प्लीज? एक्चुअली क्या करिए, बदमाश कहेंगे। अरे एग्जैक्टली ऐसा ही झुमका है, मेरे पास भी है। ये मेरा ही है, अब दो। हे, लंच पर आओगी क्या? बहुत हिम्मत वाला है। नो। तो फिर कॉफी? लुक जय, आई नो वेयर दिस इज गोइंग, इट्स नॉट गोना हैपन। मेरी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है। सच में? हाँ, ये सच कह रही है। वैसे हु इज दिस लकी गाय? ही इज माय वुड बी। हाँ। ओए ओए ओए, कहाँ जा रहे हो? उसे कांग्रेस करके आता हूँ। अब नहीं नहीं। क्यों? वो हमने घर पर बताया नहीं है, तो सीक्रेट है, इसलिए नहीं मिल सकते। ओहो, वैसे एंगेजमेंट हुई कब है? October 2 को। चाह, चांस ही नहीं है। क्योंकि उस दिन गांधी जयंती होती है। तो फिर 3? अरे बेवकूफ, गांधी जयंती और एंगेजमेंट का क्या रिलेशन है? वो सब मुझे नहीं पता, मेरा झुमका दे दो ना, प्लीज दे दो अब। मेरे साथ लंच पर चलोगी? मैं नहीं आऊंगी। प्लीज। मैं नहीं आऊंगी, मैं बहुत बिजी हूँ। नो प्रॉब्लम, मैं ही यहाँ पर चला आता हूँ। ओए, नहीं, मैं ही आ जाऊंगी। रियली? कभी? संडे। हाँ, परफेक्ट। झुमकी वाली लड़की लंच पे आने के लिए मान गई। जय की इस खुशी को हम सब ने मिलकर खूब सेलिब्रेट किया। अरे नोक, मुझे देना, यहाँ ला तो एक बार। Look at this. इसका स्टाइल तो देखो। hey, दिखा दिखा। भावना, इसकी फोटोज देख, कितनी कैसा लग रहा है ना? सुपर है। hey, भावना। क्यों रे? आज फीस भरने की लास्ट डेट है, तुझे पता नहीं क्या? ए, तुझसे कह रही हूँ। पता है। तो फिर फीस भरी क्यों नहीं? क्यों नोक, तूने फीस नहीं भरी? पैसे नहीं थे तो नहीं भरी मैंने। पैसे नहीं है तो बता सकता था ना। पैसे नहीं है? थोड़े दिन पहले तो तेरे पिताजी ने पैसे दिए थे ना फीस भरने के लिए, उनका क्या किया? ए, बता ना। खर्च हो गए यार। क्या खर्च हो गए? ए, क्या किया पैसों का तूने? शालिनी को चाहिए थे तो उसे दे दिए मैंने, जब वो पैसे वापस करेगी तो फीस भर दूंगा। क्या कहा? शालिनी को दे दिए तूने? उन पैसों के लिए तेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की थी पता है तुझे? यहाँ वहाँ मजदूरी की और कितने सारे काम किए उन्होंने, मेहनत से कमाए हुए पैसे थे वो, और तूने इसी तरह से उड़ा दिए। अपनी गर्लफ्रेंड पे पैसे खर्च किए, तू कौन होती है बोलने वाली? गर्लफ्रेंड? हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा पैसा, मैं कुछ भी करूं। अगर तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? तू अपनी लिमिट में रहकर होती कौन है तू मुझसे इस तरह बात करने वाली? चुपचाप चल जा यहाँ से। भावना, दिमाग खराब है क्या तेरा? हे नोक, भावना, भावना रुक, भावना छोड़ना यार, उसके बारे में तो हमें पता है ना। जब गलती उसने की है तो एडजस्ट ये क्यों करेगी? प्रिया तुम भी छोड़ना सिर, उसने मुझसे कह दिया कि तू कौन होती है।
तूने क्यों ऐसा कहा उससे? तूने देखा नहीं उसे कैसे लिमिट क्रॉस करके बात कर रही थी मेरे से? ए, लिमिट नहीं होना ही तो फ्रेंडशिप है यार। मेरी वजह से भावना को बहुत ठेस पहुंची। फ्रेंड्स के बीच में ये सब कुछ होता रहता है, मुझे लगा वो कुछ दिनों में भूल जाएगी। सिड और प्रिया दोनों अपने प्यार में खुश थे और जय झुमकी वाली लड़की को लंच पे ले जाने के लिए तैयार हो रहा था। अरे बेटा ये ट्राई करो, अच्छा लगेगा। आप अपने आउटडेटेड आइडियाज इसे मत दीजिए। वैसे भी वो लड़की इसके कपड़ों को देखकर नहीं मन को देखकर पसंद करेगी। हमें उससे कब मिलवाएगा? हाँ अभी तो मैं उसे लंच पे ले जा रहा हूँ, लेकिन मिलवाऊंगा। थैंक्स, बाय पापा। बाय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शालिनी, शालिनी। हेलो प्रिया, मैं आ गया हूँ, कहाँ पे हो? अरे सिद्धार्थ, या मैंने मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। हे हे, हाउ डू यू नो? दिस इज फॉर यू। वो उन्होंने दिया है। हे चलो। हेलो आर यू सिद्धार्थ? या हैप्पी बर्थडे सर। ओह थैंक्स। यू आर वेलकम। थैंक्स। Yes. Many many happy returns of the day, sir. Thank you. Wow. Hello, 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 hello. Dr. Rupa. Dr. Rupa. यहाँ से सीधा जाइए फिर. Right. Thanks. जी. जी. शालिनी, कब से आवाज दे रहा हूँ, तुमने सुना ही नहीं मुझे। पहचाना नहीं क्या? अरे मैं हूँ राजू, नोक राजू। हाँ? तुम और मैं चैटिंग। मैं एफबी पे बहुत लोगों से चैट करती हूँ, तुम कौन हो मुझे याद नहीं आ रहा। पर क्या कर रहे हो? माँ वो फिन शॉपिंग बैग सनग्लासेस वो कुछ समझ में आया ऐसे बोलो। माँ फ्रेंड ने कहा शॉपिंग चलते हैं तो मैं आ गया। माँ हेलो तुम यहाँ पर हो? ये लड़की कौन है? मुझे पता नहीं माँ। कौन हो आप? कौन है मुझे पता नहीं। By mistake, मुझे कोई और समझा होगा। Some crazy stuff, ma. Shopping mall में ऐसे पागलपन वाले activities होते रहते हैं। चलो, let's go, ma. चलते हैं। हाँ, चलो।
तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाले थे ना, वो मैं ही हूँ। ये कुछ भी अनाप शनाप बके जा रहा है, तुम बस खड़े खड़े देख रहे हो। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम शाली? कौन है यार? फेसबुक चैटिंग बोल रहा है? अरे किधर से आए? मार मत शाली, शाली को जानता हूँ मैं। ए, वो मुझे जानती है, चैटिंग की अपने। बाप रे, वहां कहीं पकड़ ना ले इसका टेंशन हो गया था, पर अच्छे से मैनेज कर लिया मैंने। वो गॉगल्स, ब्लेजर, बलून ब्लास्टिंग, वो फ्लेक्स, मुझे हीरो की तरह फील हुआ। अच्छा सरप्राइज दिया तुमने मुझे। सरप्राइज मैं देने वाली थी तुम्हें और तुमने मुझे ही सरप्राइज कर दिया। मैं कौन हूं ये नहीं जानते ना तुम? कोई और समझ के टकराई तुमसे? For a second, I felt like a stranger. प्रिया वो बात तुमने जो कहा वो ठीक है सिड, मैं ही पागलपन करती रहती हूँ, तुमसे प्यार करना भी। But प्रिया please understand. No, you understand. इतनी छोटी सी बात पर अपनी मॉम के सामने तुमने मुझे छोड़ दिया, जिंदगी भर मेरा साथ कैसे दोगे? ये सब कुछ ठीक नहीं है सिड, अगर प्यार किया है तो हिम्मत करके सब फेस करना होगा, नहीं तो प्यार करना ही बेकार है। एक्सक्यूज मी। जी कहिए। डॉक्टर रूपा? यस, मैं ही हूँ, बोलिए। आप नहीं, लाइट कर्ली हेयर वाली कैंप आई थी ना? कैंप तो कल ही खत्म हो गया। हाँ? सभी चले गए। वैसे कैंप में आए हुए लोगों में रूपा नाम की कोई लड़की नहीं थी। I'm रूपा। शालिनी ने मेरे साथ चीटिंग की, अगर ये बात मैं अपने दोस्तों को बताता तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाते। दुख इस बात का है कि शालिनी के पीछे भावना को बहुत हर्ट किया था, इसलिए मैं भावना से मिलने गया। हाँ, ओके, थैंक यू। भावना, भावना, बाद में बात करती हूँ। हाँ ठीक है। भावना, भावना सुन तो, भावना, 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 कब से आवाज लगा रहा हूँ मगर तू रुक भी नहीं रही है यार। उस दिन मुझसे गलती हुई थी भावना, मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा। तू अगर मेरे साथ बात नहीं करेगी तो फिर कौन करेगा? तेरे पास तेरी शालिनी है ना? उसका नाम मतलब मैं बता रहा हूँ तुझे। इसीलिए मैं अपनी लिमिट्स में रहूंगी। मैं यहाँ पे परेशान था और वहां पर सिड। माँ, बहुत दिनों से आपसे एक बात करना चाह रहा था। माँ, मैं प्रिया नाम की लड़की से प्यार करता हूँ माँ। वो यूएस से है। ए, क्या कह रहे हो? अरे डिस्टर्ब मत कर यार, पूरा भूल जाऊंगा। आपने प्यार क्यों किया? आप मम्मी को जानते हैं ना? मुझे समझ नहीं आ रही सब क्या हो रहा है। ब्रेकफास्ट रेडी है, जाओ। आ रही हूँ मम्मी। वीना, वीना, वीना। आप मम्मी को बताओ या मरो या कुछ भी करो, लेकिन प्लीज मुझे इन सब में मत फंसाओ। हटो यहाँ से। ऐसा मत बोल, प्लीज। हटो।
खाओ ना, टाइम हो रहा है। माँ। हम्म। आपको एक बात बतानी है मुझे। बात से याद आया, पद्मा आंटी के बेटे को MCA ज्वाइन करना है तुम्हारे कॉलेज में। डिटेल्स पूछ रहे थे, मैंने कहा तुमसे आके कैंपस में मिल ले। कैंपस में? कैंपस में क्यों? हम्म, क्यों? वो माँ, पद्मा आंटी का घर रास्ते में ही है ना माँ, तो जाते वक्त मिलता जाता हूँ। हम्म, जल्दी खाकर चले जाओ, चटनी दो। उस दिन तुमने जो कुछ भी कहा उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा, पर फिर सोचा तुमने जो कहा वो बिल्कुल सही था। यस, आई कांट कंटिन्यू अ रिलेशनशिप लाइक दिस। इसलिए मैंने घर पे सब कुछ कह दिया। क्या कहा? वही तुम्हारे बारे में बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा? माँ पहले थोड़ा सीरियस हो गई, फिर तुम्हारे बारे में पूरा बताने के बाद रिलैक्स हो गई। सच में? माँ को तुम बहुत पसंद आई। ऐसा कैसे? आंटी ने मुझे ठीक से देखा भी नहीं था। फेसबुक में दिखा दिया था। क्या क्या कह रहे हो तुम? उस पर तो मेरी फोटोज बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो बहुत पुरानी है। नहीं नहीं, शी लाइक्ड यू, शी इज हैप्पी फॉर अस। Sid, this means a lot to me. पता है सिड, the way he proposed to me, वो मुझे बहुत पसंद आया। पर आज मुझे तुम पर पूरा भरोसा हो गया है। Thank you so much. मैंने सच नहीं कहा और सिड ने झूठ बोला। हम दोनों ने प्रॉब्लम मैनेज तो कर ली, लेकिन जय ने सिचुएशन से भागने की बजाय उसे एक्सेप्ट किया। अरे अरे, आजकल के बच्चे कैसे हो गए, पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता। क्या हुआ? लगता है माँ बहुत ही गुस्से में है। और नहीं तो क्या, वो एक अनजान लड़की है, मेरे बेटे को ऐसे धोखा देकर चली गई। मैं आपकी तरह रिलैक्स होकर टीवी नहीं देख सकती, समझे आप? अरे अब मैंने क्या कर दिया? तो फिर इसने क्या किया था? वो लड़की इसे ऐसे छोड़कर क्यों चली गई? माँ आओ बैठो यहाँ। माँ आपकी अगर एक बेटी होती उसके पीछे मेरी तरह एक लड़का पड़ता तो तुम्हें ठीक लगता? कोई भी एक अनजान लड़का झुमका देके लंच के लिए बुलाएगा तो कोई भी लड़की परेशान होगी ना, पीछा छुड़ाने के लिए ट्राई करेगी। उसने भी वही किया। लेकिन तुम अच्छे लड़के हो। ये उस लड़की को पता नहीं है ना। और कैसे पता चलेगा, वो यहाँ नहीं रहती। मुझे छोड़ के कहाँ जाएगी माँ? मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ। सोनिया, सोनिया कहाँ है? सोनिया, हे, इतनी जोर से क्यों चिल्लाई? फिर से मेकअप शुरू करना पड़ेगा मुझे। इतनी जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मेरा ऑस्ट्रेलिया का वीजा आ गया है। 10 दिनों में मैं उड़कर चली जाऊंगी ऑस्ट्रेलिया। अच्छा? कांग्रेट्स। थैंक यू। ये क्या है, अब तक रेडी नहीं हुई? आ ही रहे हैं आंटी, 5 मिनट। ठीक है जल्दी आओ। तो फिर हमारा हनीमून भी ऑस्ट्रेलिया में ही प्लान करते हैं, साथ में घूमेंगे, शॉपिंग करेंगे। बस कर, हाँ तेरी शादी की तैयारी करना ही काफी है, अब तेरा हनीमून हैंडल नहीं कर सकती। बड़ा प्लान कर रही है, मैं कोई वेकेशन पर जा रही हूँ क्या? ये क्या है, तुम अपनी फ्रेंड से ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है दया, करुणा इसे कुछ भी नहीं पता, बिल्कुल नहीं। अगर पता होता तो उस झुमके वाले को छोड़ती नहीं ना। मैंने तुझे उसी वक्त कहा था मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर वो भी माने तब ना, इसलिए मैंने उसे साइड कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। कर रहे हो? तुमने ही तो बुलाया था ना। मैंने? या हाँ, नेक्स्ट मंथ 26 को मेरी शादी है 21st स्ट्रीट श्रीनगर कॉलोनी में, आप आएंगे ना? हाँ हाँ,
वही ए सोनिया तुम कूल क्यों इतना टेंशन ले रही हो मानसविनी मेरा नाम तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई तुम्हारी बहन का नाम काव्या तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है सोनिया अगले 10 दिन बाद तुम ऑस्ट्रेलिया जा रही हो आई नो एवरीथिंग अबाउट यू इतना सब पता कर लिया पर मुझे तुम पसंद नहीं हो ये पता नहीं किया मेरा मतलब मेरा नाम मेरे घर का एड्रेस मुझे कैसी ड्रेसेस पसंद है और मेरा परफ्यूम भी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं मेरे ड्रीम्स मेरा एम्बिशन ये पता नहीं किया तुमने तो मेरे बारे में तुम्हें क्या पता है जो इतना अवॉइड कर रही हो मैं तुम्हारे बारे में क्यों जानूं? अरे जान लो ना अगर पसंद नहीं आऊं तो तुम आराम से रिजेक्ट कर सकती हो पता है ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ मुझे बहुत काम अरे, है वेरी बिजी तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्री टाइम होने पर तुम मेरे बारे में जान लो मैं तुम्हारे आसपास ही रहूंगा इससे कैसे पीछे छुड़ा ठीक है तो इन 10 दिनों के बाद मैं जो डिसाइड करूंगी वो मंजूर होगा तुम्हें ओके ओके थैंक यू बाय तुम्हें उससे क्या लेना देना है झुमका देने के बहाने कैंप तक आ गया वहां से पीछा छुड़ाया तो यहाँ तक आ गया अगर अभी इससे पीछा नहीं छुड़ाया ना तो ऑस्ट्रेलिया तक आ जाएगा ये मैं इसके लिए सही नहीं हूँ ये इसे पता चलना ही चाहिए और इसे पता चल जाएगा Cheers! Cheers! अरे आज क्यों पी रहे हैं आखिर मेरे बेटे ने कमाल कर ही दिया जो किया उसने किया आप क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं मैं भी अगर 30 साल बाद पैदा होता तो इनकी तरह ही रोमांटिक एडवेंचर्स करता अब बस भी कीजिए 30 साल बाद क्या 50 साल बाद भी पैदा होते तब भी आपसे ये ना होता लड़की पटाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए आप में है Hey, mom is calling. Hi, mom. How are you? ये कैसा हल्ला हो रहा है? We are chilling in Jer's house, mom. Sid भी है क्या? Sid भी है. बात करोगे? नहीं 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 नहीं. Sid बात करेगा ऐसा क्या रहा है, mom? Okay, दो. बात करो ना. Hi, auntie. Hi, Sid. How are you? I'm fine, auntie. Sid, मुझे तुम्हारी mom का number चाहिए था. क्यों आंटी एक बार फॉर्मेलिटीज भी तो करनी पड़ेंगी ना एक्चुअली मॉम ने खुद कहा है कि वो अच्छा सा दिन देख के आपसे बात करेंगी नेक्स्ट वीक प्रिया को भी घर बुलाया आंटी सच में देखा मॉम इसने ये बात अब तक मुझे भी नहीं बताई थी अच्छा सरप्राइज देना था ना वाओ ओके मॉम बाय आई विल कॉल यू बैक ओके बाय वो सो स्वीट ऑफ यू अच्छा सुनो एक पैग और दो ना अब बस भी कीजिए हेलो ऐसा है कहां पर है वहां जाइए आओ हे नोक सर क्या हुआ सर तुम्हारे दोस्त ने क्या किया पता है बाहर निकल चल ले चुप कर क्यों बैठी है बाहर निकल तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तूने तेरे कारण भावना भी मुझे छोड़कर चली गई और बगल में कौन है तेरा बाप है क्या तेरी तो This is not the first time, sir. इससे पहले भी जब मैं friends के साथ थी, तभी वहाँ इसने scene create किया था, तभी case करना चाहिए था। उस दिन हमने इसे छोड़ दिया था। सर, ये झूठ बोल रही है सर। इनके बीच already affair चल रहा था सर। राजू ने तो इसे पैसे भी दिए थे। ये क्या बोल रहे हो तुम? ऐ, पैसे नहीं दिए तुझे? उससे पैसे लेने की जरूरत मुझे क्यों होगी? मैंने नहीं लिए। I have enough money. मुझे लगता है इन सबका पूरा गैंग है सर। इन सबको अंदर डाल दीजिए, सच अपने आप बाहर आ जाएगा। ऐ, mind your words, okay? Hey, शांत हो जाओ। तुम जो कह रहे हो उसका कोई प्रूफ है? है सर। देखिए सर, इन दोनों के सारे चैट्स हैं यहाँ पर। इसने पैसे मांगे वो भी है। It's not mine, it's fake. मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। चाहो तो इंक्वायरी कर सकते हो। Hey.
तूने पैसे कैसे दिए? अकाउंट में डालने को बोले थे, मैंने डाल दिए सर। अकल नहीं है तुझमें? पढ़े लिखे हो ना? सोशल मीडिया पर लड़की दिख गई तो बस रिक्वेस्ट भेजना, चैटिंग करना, शेयरिंग करना, जो भी बोला तो कर देने का क्या? वेंकटेश सर, इससे अकाउंट नंबर लेकर वो कौन है पता करो। ओके सर। शालिनी देखो, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सब कुछ हुआ है। उसका तुम्हारे घर आकर हल्ला करना गलत है। उसकी तरफ से हम सब तुम्हें सॉरी कहते हैं। अगर तुमने केस किया तो उसका फ्यूचर स्पॉइल हो जाएगा। प्लीज। ओके। ए, लेट हो रहा है, चलो चलते हैं। हे, मिलके कॉलेज जाना, क्लास खत्म होते ही घर चले जाना, और टाइम होगा तो कैंटीन में बैठ के बातें करते हुए टी कॉफी शेयर करना, सिर्फ यही होती है क्या फ्रेंडशिप? उसने फीस नहीं भरी ये बात जब तक नोटिस बोर्ड पे नहीं आई हमें पता नहीं चली। शालिनी ने उसे मार खिलाया ये बात हमें उससे पता चलती है। और आखिर में ये पुलिस स्टेशन में है, ये एसआई ने जब तक फोन नहीं किया हमें किसी को भी पता नहीं चला, तो हम हैं किस लिए? अरे कुछ बातें हम किसी से भी शेयर नहीं करते, पर फ्रेंड्स के साथ हम छोटी बात से लेकर सीक्रेट्स तक सब कुछ शेयर करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो दुख में सहारा देते हैं और खुशी के वक्त उसे दुगना करते हैं। छोड़ ना जाए, उसे हमसे और हमारे इमोशंस से कोई लेना देना नहीं है। अभी भी उसे ये सब होने का दुख नहीं है, उसे तो दुख इस बात का है कि शालिनी उसके हाथ से निकल गई। जय की बातों से फ्रेंडशिप क्या होती है मुझे पता चला। भावना के गुस्से में भी मेरे लिए अपनापन छुपा था ये पता चला। वो सिर्फ मेरी अच्छी दोस्त नहीं थी बल्कि मैं उससे प्यार भी करने लगा था। जब मुझे प्यार की कोई कदर नहीं थी तब भावना मेरे आगे पीछे घूमती थी। जब मुझे प्यार की कदर हुई तो भावना मुझसे दूर चली गई और उधर झुमकी वाली के पास जय मिलने गया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी है? ए जरा इसे देख, तेरी शादी की सारी तैयारी ये कर रही है और नींद तुझे आ रही है। मेरी शादी और तुम डोमिनेट कर रही हो। हाय। ओके फिर से ये लो और डस्टबिन में जाकर फेंक। हे, अरे क्या हुआ, मुझे देख के सरप्राइज नहीं हुई, शॉक नहीं लगा? सरप्राइज क्यों होंगी, तुम आओगे मुझे पता था। सुनिए चैंटी कुछ खा नहीं रहा है, बहुत हल्ला कर रहा है, माँ जी ने आपसे कहने को कहा है। मैं खिला दूं क्या? I am very good with kids. अब बेटा रुकिए ना, ये खिलाएगा कह रहा है हाँ। तो खिलाने दीजिए। ये लीजिए, ये दीजिए। रूम राइट में है। राइट में है। ओके। एंड चैंटी कहाँ पे हो तुम? I got you some chocolates. Yummy yummy chocolates. कहाँ हो? चैंटी? अरे चैंटी, चैंटी बेटा तुम ही हो ना? हाय। नहीं नहीं नहीं, ओपन द डोर, ओपन द डोर प्लीज, मुझे डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी। अरे नहीं नहीं नहीं, अबे बाप रे, प्लीज कोई है? डोर ओपन करो। सॉरी। एनफ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज याद दिलाते दिलाते थक गई हूँ मैं। यू आर जस्ट होपलेस। जरा संभाल के बात करो। तुम कहती रहोगी और मैं सुनता रहूंगा। डोंट ब्लेम मी, अंडरस्टैंड? तो तुम नहीं आओगे यही कह रहे हो ना? फाइन, तुम इतने सालों तक हमारी जिंदगी में नहीं थे, एक दिन और नहीं आओगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, हम संभाल लेंगे सब। ओके दैट्स फाइन। मैंने कहा था ना कि वो नहीं आएंगे, तुमने कहा इसलिए मैंने ट्राई किया। भूल जाओ, तुम्हारे पापा नहीं आएंगे पर शादी में कोई कमी नहीं होगी। पता नहीं माँ ये कब समझेंगी कि पापा का ना होना ही एक कमी है। क्या हुआ? सोनिया के पेरेंट्स ने उसके बचपन में ही डिवोर्स ले लिया था और अंकल अब शादी में भी नहीं आ रहे हैं। अब उनके ना आने की वजह से सोनिया भी अपसेट हो जाएगी।
तो हम अंकल से बात कर लें क्या? तुम पागल हो क्या? आंटी से नहीं हो पाया तो फिर तुमसे क्या होगा? यस, कौन? सोनिया के फ्रेंड्स हैं अंकल। आऊंगा नहीं कह चुका हूँ, फिर भी क्यों भिजवाया? आंटी ने नहीं भेजा, हम खुद आए हैं अंकल। ओहो, खुद से आए हो। तुम हमारे इश्यूज के बारे में कुछ जानते हो? नहीं ना। तुम्हें तुम्हारी आंटी के बारे में कुछ पता है? नहीं ना। वो चाहती है कि मैं शादी में ना आऊं। अगर कॉम्प्रोमाइज करके मैं वहां पर आ भी गया तो पता है एक फोन कॉल करके मैंने इन्हें बुला लिया, सबसे यही बोलेगी वो। और नहीं आया तो फोन किया था फिर भी नहीं आए, सबसे ऐसा ही बोलेगी वो। डिस्गस्टिंग। वहां आकर बेइज्जती कराने से अच्छा है कि मैं अपना काम करूं यहां। यू मे गो नाउ। अंकल, बचपन से आपने सोनिया को कितने सारे गिफ्ट्स दिए होंगे, पर बस एक दिन के लिए उसे अपना ईगो गिफ्ट में दे दीजिए। अपनी बेटी के लिए आप उतना नहीं कर सकते। ओए, ये क्या, पूरी बात किए बिना ही आ गए? वो आएंगे। तुम्हें कैसे पता? अंदर अंकल के टेबल पर एक फोटो है, वो देखने के बाद वो सोनिया से कितना प्यार करते हैं ये पता चलता है। उस प्यार को हमने याद दिला दिया ना, वो आएंगे। जय यहाँ पर आया और जय की वजह से मेरे पापा मेरी शादी में आ पाए। थैंक यू सो मच। हेलो। ए, मुझ पर क्या अच्छा लगेगा बताओ ना, चूड़ीदार या साड़ी, जल्दी इमेजिन करो और बताओ। मैं तुम्हें कैसे इमेजिन करता हूँ, बताऊंगा तो तुम शर्मा जाओगी। चीज़ वो नहीं, आंटी को कौन सा कलर पसंद है वो बताओ। और वीना के लिए शुड आई बाय इंडियन और वेस्टर्न? किसके लिए? भूल गए क्या? टुमारो इज सैटरडे, आई एम कमिंग टू योर हाउस नाउ, सो आई एम बाइंग गिफ्ट फॉर एवरीवन। ए, तूने झूठ प्रिया से नहीं बोला है, अपने प्यार से बोला है। और जहां पर झूठ है वहां प्यार मजबूत नहीं होता है सिड। हेलो प्रिया, कहां हो? कल्याणी केतन, शॉपिंग कर रही हूं। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? वो वाली साड़ी दिखाएगी ना? हाँ, वो ग्रीन वाली, या ये अच्छी लगेगी। ऑरेंज दिखाइए। आंटी, नमस्ते आंटी। व्हाट अ कोइंसिडेंस, एक्चुअली मैं आप लोगों के लिए शॉपिंग कर रही थी।
सिद्ध भी आने वाला है। कल आपके घर आ रही हूँ ना, इसलिए सोचा कुछ खरीद लूँ आप लोगों के लिए। आपको इन दोनों में से कौन सी साड़ी पसंद है? आखिर हो कौन तुम? साड़ी दिखा रही हो, घर आ रही हूँ कह रही हो, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आंटी मैं प्रिया। प्रिया? सिद ने आपको कुछ बताया नहीं? किस बारे में? सॉरी, मैंने तुमसे कितना प्यार किया मैं बता नहीं सकती। प्यार किया? तुमसे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूँ कहा था, और मैंने भी सच मान लिया। पर सब झूठ था ना? अपनी माँ से सच छुपाकर, झूठ बोलकर मुझे धोखा दिया ना तुमने। प्रिया, मैं तुमसे वही बात कहने के लिए आया हूँ। प्रिया प्रिया प्लीज, डोंट टच मी। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। आज तक जो भी कहा सब झूठ था, और क्या कहना है अब? इट्स ऑल ओवर। सिड, क्या हो रहा है ये सब? हाँ, उस दिन शॉपिंग मॉल में उस लड़की को देखकर तुमने मुझसे क्या कहा था कि तुम उस लड़की को जानते नहीं हो, और आज वो लड़की मेरे सामने आकर मुझसे कह रही है कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ। हुई शी, तुम्हारा और उसका क्या रिश्ता है? बताए बिना क्यों जा रहे हो? यू कांट लीव व्हाइल आई एम टॉकिंग। सिड, सिड ने आज तक जो नहीं किया था उस दिन उसने वो काम किया, और मैंने भी कुछ तय किया था, भावना से अपने दिल की बात कहना, और इसीलिए मैं हॉस्टल गया। भावना, क्या है? सुन, मुझे क्या हुआ है? क्या हुआ मतलब? इसका क्या मतलब होता है ये भी पता है? वो मैंने दुकानदार से कार्ड मांगा तो उसने कहा कि जो पसंद आए वो ले लो, तो ये वाला बहुत कलरफुल था इसलिए मैंने ले लिया। भावना, भावना तुम्हें याद है क्या, हम दोनों फर्स्ट टाइम इसी जगह पे मिले थे, किसी और ने छेड़ा था और तुमने टिफिन बॉक्स लेके मेरे सर पे मार दिया और मैं वहीं पे गिर गया था, तुमको याद है ना? कल मेरे पापा ने फोन किया था, मेरे बारे में ज्यादा नहीं पूछे, सिर्फ तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, हमेशा वो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। भावना तुम उन्हें बहुत पसंद हो, तुम मेरा ख्याल रखोगी, ये उनका पूरा विश्वास है। पर मैं ही पागल था जो तुमको पहचान नहीं पाया, शालनी शालनी करके उसके पीछे घूमता रहा, सबके सामने तुमसे कहा कि तुम लिमिट में रहो, मैंने तुम्हें डांटा, तुम्हें दुख पहुंचाया, मैं सच में बेवकूफ हूं। पर मुझे पता चल गया मैं तुमसे, असल में तुम्हारा गोल क्या है? कॉलेज क्यों आए हो तुम? लड़कियों को कैसे पटाते हैं ये सीखने के लिए? पढ़ाई छोड़कर प्यार करने के लिए? बोलो क्यों आए हो कॉलेज में? वैसे भी कोई भी लड़की तुमसे प्यार क्यों करेगी? तुम में ऐसा है क्या? पढ़ाई में फर्स्ट हो क्या, या फिर तुम बहुत हैंडसम हो? तुम कुछ हासिल करोगे इसका भरोसा है क्या? जो तुमसे प्यार करेगी तुम क्या उसका ख्याल रख पाओगे? तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए भी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारे मन में। बोलो क्यों प्यार करना चाहिए तुमसे? तुम एक जीरो हो।
तुम और मैं अलग हैं। मुझे खुद पे भरोसा है, फ्यूचर पे भरोसा है। फिर कभी प्यार व्यार की बात करके टाइम वेस्ट मत करना, टाइम बहुत कीमती होता है। आप भी ना। शादी की फोटोज कितनी अच्छी आई हैं। ये देखो, मेरी शादी इतनी अच्छे से होगी मैंने सोचा भी नहीं था। पापा आ गए यही बस था। और आज उन दोनों को ऐसे देख रही हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। ये सब जय की वजह से। ये हमेशा से ऐसा ही है, अपने साथ वालों को खुश रखने की कोशिश करता है, इसीलिए सब इसे पसंद करते हैं। हाँ अंकल, हमेशा सीरियस रहने वाली मेरी मनु भी अब जय के साथ रहकर बहुत खुश रहने लगी है। मैजिक किया है तुमने जय। ये कौन है? ये मेरी छोटी माँ की फैमिली है। अच्छा। ये देखो, ये बच्ची तो बहुत प्यारी है। ये देखिए। उसने जो भी कहा वो सच है जय। योर वर्ल्ड इज सो परफेक्ट अंकल, आंटी, तुम्हारे फ्रेंड्स, वो जो मस्ती करते हैं, वो साथ कॉफी पीना, आई एंजॉयड अ लॉट। तुम्हें मुझे सबसे ज्यादा क्या पसंद है पता है? मुझे लगा था तुम मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करोगे, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे साथ बिताया हर वक्त मुझे पसंद आता है, पर मेरे रास्ते में वही बीच में आ रहे हैं। रिलेशनशिप में आने के बाद प्रायोरिटीज बदल जाती हैं ऐसा सोचती थी। तुमसे दोबारा कभी नहीं मिलूंगी ऐसा सोचा था, पर ऐसा हुआ नहीं। इन 10 दिनों में तुम्हें अपने आप से दूर कर दूंगी और यहां से चली जाऊंगी ऐसा सोचा था, पर अब लगता नहीं कि ये सब इतना आसान है। हम दोनों का मिलना एक इत्तेफाक था जय, पर अब तुम्हारे साथ रहना मुझे अच्छा लगता है। पर मुझे अपना गोल भी अचीव करना है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अपने हार्ट से कहो कि कंफ्यूजन दूर करें, तुम्हें क्या चाहिए वही बताएगा। फॉलो योर हार्ट। मेरा दिल मुझे मेरे ड्रीम्स फॉलो करने कह रहा है। तुम्हारी फ्लाइट कब है? कल रात 9 बजे की है। हैप्पी जर्नी मनु। जय बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसके हैप्पीनेस को ड्रीम्स को वेस्ट करते हुए देखा। दोनों होंगे तो ही लाइफ है, ये उसे समझ में नहीं आ रहा है। पर तुम तो उससे बहुत प्यार करते हो। इसलिए उसकी पसंद को भी प्यार कर रहा हूं मां। प्रिया यूएस चली जाएगी जय। मैं कुछ सीखने के लिए इस कैंपस में आई थी, पर लाइफ ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। भूल ना सकूं ऐसे फ्रेंड्स तो दिए ही, पर याद ना रखूं ऐसा प्यार भी दिया।
उसने झूठ बोला था तो तुमने झूठ मान लिया, और अब जब सच कह रहा है तो झूठ मानकर जा रही हो। अगर दो लोग एक दूसरे पर ट्रस्ट न करें तो जिंदगी बितानी बहुत मुश्किल हो जाती है, और मैं उस पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती। जब तक फ्रेंड्स थे तब तक खुश थे, फिर बीच में ये प्यार आ गया, बस कैसे मिले थे ये याद करके खुश होना चाहिए था, पर अब ऐसा लग रहा है कि क्यों मिले थे। प्रिया यूएस जा रही है। पता है। तो फिर तू यहां पर क्यों बैठा है? उसके बिना तू रह सकता है क्या? वो जा रही है ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है मेरी जान जा रही है। क्या यार, तू कह रहा है कि तेरी जान जा रही है? भावना, प्यार के बिना ही अच्छा है ऐसा कह रही है। प्यार का मतलब पेन नहीं होता, वो तो एक खुशी है, हैप्पीनेस। ये अगर तुझे समझ में आ गया ना तो तेरी आंखों में आंसू नहीं होंगे। जो हमसे प्यार करते हैं वो हमारी गलती पर बहुत हर्ट हो जाते हैं, वो गुस्सा नहीं है, प्यार है। वही प्यार अगर तुझ में है तो जाकर बोल उसे। तेरे प्यार में अगर सिंसियरिटी है तो जाके बोल। लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो जाके बोल उसे। तेरे लिए वो क्या है अगर वो नहीं होगी तो तेरा क्या होगा, बोल। इतने दिन तो वो तेरी गलतियां ही देखती आई है, अब तू जाके अपना प्यार बता दे उसे। क्या है वो? आओ माँ। कहाँ? आओ माँ बताता हूँ। पर कहाँ, बोलो। क्या कर रहे हो तुम? सिट, सिट। प्रिया, माँ ये प्रिया है,
मैं इससे प्यार करता हूं। मैं एमसीए की पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, एमए म्यूजिक कर रहा हूं मां। मैं जिन दो चीजों से प्यार करता हूं उन्हें आपसे छुपाया। मुझे तुमसे डर लगता है माँ, इसलिए मैं हर बात मैनेज करते हुए गलती पे गलती गलती पे गलती गलती करता आ रहा हूं माँ। ऐसे रहूंगा तो ना मेरी लाइफ में प्रिया रहेगी, ना म्यूजिक रहेगा, मेरी जिंदगी ही नहीं रहेगी माँ। प्यार को बचाने के लिए मैंने झूठ बोला था, पर मेरा प्यार झूठा नहीं था। माँ, गिटार बहुत अच्छा बजाया तूने। एमसीए तो कोई भी कर सकता है, पर म्यूजिक गिटार इसके लिए बहुत टैलेंट चाहिए। इतने दिन डर से झूठ बोलने की वजह मैं हूं, आज इतनी हिम्मत से मेरे सामने उसके सच बोलने का कारण तुम्हारा प्यार है। प्रिया, तुम्हारी माँ का नंबर दो बेटी, मैं एक बार फोन करती हूँ। भावना, 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 कहाँ जा रही हो तुम? एक बार कहा तो समझ में नहीं आता। जब मैंने गलती की तब तुम डांटती थी, गलत रास्ते पे जाने से रोकती थी। मेरे पिताजी के पैसों की कीमत तुमने मुझे समझाई भावना। मेरा ग्वाला मुझे नहीं पता था, पर तुमने मुझे बताया भावना। इतना सब कुछ करके अब क्यों जा रही हो? ए, जाओ ना। भावना, तू मेरे नोट्स मत लिखना। तू जैसा बोलेगी मैं वैसा करूंगा। मैं नोट्स लिखूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं तेरी हर बात मानूंगा। तू अगर मेरे साथ रहेगी तो मैं जिंदगी में काफी कुछ हासिल कर लूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात तो मान। भावना, मुझे छोड़ के मत जा। भावना प्लीज। सब लोग देख रहे हैं। तुम कहां से आई हो मुझे पता नहीं, लेकिन सीधा मेरी जिंदगी में तुम दाखिल हो गई हो। भावना, मुझे असल जिंदगी से मिलवाने वाली तुम हो। भावना, तुम्ही ने मुझे स्नेह दिखाया और तुम्ही ने मुझे प्यार सिखाया। तुम्ही मेरी हिम्मत हो, तुम्ही मेरा भरोसा हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं भावना। मेरी माँ मेरा जितना ख्याल रखती थी, तुम भी मेरा उतना ही ख्याल रखती हो भावना। भावना मतलब सिर्फ तुम्हारा नाम नहीं है, मेरी फीलिंग्स है। फिलोसोफिकली, फिरोशियसली, तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा राजू। तू अभी हंसी ना, हंसी ना तू अभी, तू हंसी मैंने अभी अभी देखा। तू मान गई ना, तू हंसी मतलब तू मान गई, तू सच में मान गई ना भावना। ये yeah!
पैसे मिल गए क्या? हाँ बेटी मिल गए। सासू माँ दवाइयाँ ठीक से ले रही है ना? हाँ हाँ ले रही है। ठीक है ससुर जी, अगले हफ्ते हम आपसे मिलने आएंगे। ठीक है बेटी, रखती हूँ। अच्छा तो अब चले हम। मेरे पापा मुझसे ज्यादा भावना से ही बात करते हैं। मेरी फैमिली तो बहुत खुश है। अब हमारे बैच में सिर्फ जय ही बचा है और कल जय की लाइफ का इम्पोर्टेंट दिन है। नाम क्या है तुम्हारा? तनीषा। आईडी प्रूफ है क्या? है ना सर। अरे मैं बहुत खुश हूँ। अब तक हार नहीं आया। अब 5 मिनट में आ जाएगा। अच्छा ठीक है। हाँ, बोल गया था। कौन आया यहाँ पता है क्या? इसे यहाँ किसने बुलाया? उससे कहा कि जय की शादी है। जय कहाँ है? आईडी प्रूफ ऑलरेडी सबमिट कर दिया है सर। ओके अदर एप्लीकेशंस। यस सर। ओके कैसी हो मनस्विनी? जय, तनिषा तुमको बुला रही है बाहर। क्यों? अरे मुझे क्या पता, तू बाहर जाना। अरे बाहर जाना यार। जय जल्दी जा। 2 मिनट्स। हाँ सुनो राधा, सॉरी वो बुला रहे थे तो। ये क्या सडनली ऐसे शादी? सडनली क्या है, हमेशा से सोचा ही था प्यार और उसके बाद शादी तो होती है। जय मतलब जय जय, शादी के लिए सिर्फ 10 ही मिनट बचे हैं। 10 मिनट है ना पापा, आराम से कूल। अरे मैं तो कूल ही हूँ, पर सिद्धू वहाँ पर टेंशन ले रहा है। फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है ना, चलो। वन सेकेंड। जय तुमसे कुछ बात करनी है। जय यहाँ क्या कर रहे हो? अरे शादी का टाइम हो गया, रजिस्ट्रार बुला रहा है, चलो। 1 मिनट तनिषा, शादी के बाद आराम से बैठकर बात कर लेना, अभी चलो। हे तनिषा, अरे मैं आ रहा हूँ ना। जब मैंने तुम्हें ना कहा था तब तुम कितना हर्ट हुए होगे, ये मुझे आज पता चल रहा है। उस दिन जब हंसते हुए तुमने मुझे अपनी ड्रीम की तरफ जाने को कहा, उसी दिन मैं समझ गई थी कि तुम मेरे लिए बिल्कुल सही हो। पर जिस दिन से मैं ऑस्ट्रेलिया गई हूँ, बिल्कुल बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मैंने सोचा था कि किसी से प्यार करके हम खुद के लिए एक बाउंड्री बना लेते हैं। मैं हमेशा से ही अपने थॉट्स, अपने ड्रीम्स, अपने एम्बिशन के बारे में बात करती थी, पर अब मैं समझ गई हूं कि इन सबसे बढ़कर मेरे लिए कुछ और है। इस वक्त ये सब बताना गलत है, जानती हूं, पर तुमने ही कहा था ना कि हमेशा अपने दिल की सुननी चाहिए। I love you, Jay. तो अब मेरा क्या होगा? तुम्हारा क्या होना है? अरे हमारी शादी का क्या? हमारी शादी? दरअसल यहाँ पे जय की शादी हो ही नहीं रही है, सिड और प्रिया की शादी हो रही है। इतने दिनों से अपने प्यार को छुपा के रखा था,
वैसे तुम्हें ये आइडिया कहाँ से आया? उस दिन जब शादी का कार्ड देने के लिए मैं सोनिया के घर गया था, सोनिया ने मुझे मानसविनी का फोटो दिखाया और मुझे उस फोटो में कोई और फोटो नजर आया। तब मैं समझ गया कि मानसविनी अभी भी जय को भूल नहीं पाई है। तुझे कैसे पता मानसविनी आके ये सब कहेगी? तूने भी प्रिया को मिस किया तो ये सब कुछ कहा था ना। मैंने जब भावना को मिस किया तो मैंने भी सब कुछ कहा। उसी तरह जय किसी और का हो जाएगा ये फीलिंग मानसविनी के दिल में आई तो उसने सब कुछ कह दिया। वेरी सिंपल। अगली शादी आपकी है, आ जाइए। खुश होने पर दिल खोलकर हंसने वाले, दुखी होने पर रोकर दिल को शांत कर लेने वाले और ये सब भूल जाने वाली इस पीढ़ी को, बिना कुछ छुपाए हुए इनकी स्वच्छ हंसी को, आंसू को इन पात्रों के जरिए परिचय कराने का एक छोटा सा प्रयास है हमारी ये फिल्म। रास्ता दिखाने वाला स्नेह यदि सामने है तो, गंतव्य दिखाने वाला प्यार यदि सामने है तो, बिना सोचे अपनी जिंदगी में आने का निमंत्रण दे दो, क्योंकि दोस्ती और प्यार अमृत है, अमर है।